दोस्तों आईपीएल 2024 में आज के दिन टोटल दो मैच खेले गए थे और इन दोनों मैचों के खत्म होने के बाद आईपीएल 2024 के पॉइंट टेबल में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। तो आज के इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2024 का बिल्कुल नया पॉइंट टेबल बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि किस प्लेयर के पास पर्पल कैप और ऑरेंज कैप है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप लोग आईपीएल के किसी भी मैच का 100% एक्यूरेसी के साथ टॉस और मैच का प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो टोनी भाई के साथ कॉन्टेक्ट करें, उनका सभी डिटेल्स कमेंट में मिल जाएगा और वो आप लोगों को आईपीएल में काफी बढ़िया प्रेडिक्शन देंगे। तो एक बार इनके साथ कॉन्टैक्ट करें। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आईपीएल 2024 में आज का नया पॉइंट टेबल बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज खेले गए पहले मैच में पंजाब किंग्स की टीम ने 4 गेंद शेष रहते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम को हरा दिया, जहां पे पंजाब किंग्स को 175 रनों का टारगेट मिला था और पंजाब किंग्स की टीम ने सैम करन और लियाम लिविंगस्टन के शानदार पारी के बदौलत दिल्ली कैपिटल्स की टीम को हरा दिया। वहीं दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ईडन गार्डन में खत्म हो चुका है और दोनों मैचों के खत्म होने के बाद आईपीएल के पॉइंट टेबल में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। तो पॉइंट टेबल में 10वें स्थान पे है मुंबई इंडियंस जिसने कोई भी मैच नहीं खेले, इसके बाद 9वें स्थान पे गुजरात टाइटन्स की टीम है और गुजरात ने भी एक मैच नहीं खेले, इसके बाद 8वें स्थान पे राजस्थान रॉयल्स है और राजस्थान ने भी कोई मैच नहीं खेला। वहीं 7वें स्थान पे लखनऊ सुपर जायंट की टीम है और लखनऊ की टीम ने भी अभी तक कोई भी मैच नहीं खेला है। और अब बात करते हैं पॉइंट टेबल में उन टीमों के बारे में जिन्होंने मैच खेला है। तो 6वें स्थान पे है आज के मैच में हारने वाली टीम यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने आईपीएल 2024 में अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक मैच खेले और पहले ही मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम टोटल एक में से एक मैच हारने के चलते 0 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 6वें स्थान पे है और सनराइजर्स हैदराबाद का नेट रन रेट -0.800 है और एसआरएच की टीम को आने वाले मैचों में तगड़ा कमबैक करना पड़ेगा। इसके बाद पॉइंट टेबल में 5वें स्थान पे है फाफ डू प्लेसिस की कप्तानी वाली और आईपीएल इतिहास की सबसे मोस्ट पॉपुलर टीम यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम, और आरसीबी ने आईपीएल 2024 में अभी तक सिर्फ एक मैच खेले और पहले ही मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा। तो इस वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम टोटल एक में से एक मैच हारने के चलते 0 अंक के साथ पॉइंट टेबल में 5वें पायदान पे है और आरसीबी टीम का करेंट नेट रन रेट -0.779 है और आरसीबी अपना अगला मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ 25 मार्च को शाम 7:30 बजे से यहां पे चिन्ना स्वामी में खेलेगी। इसके बाद पॉइंट टेबल में 4थे स्थान पे आज के मैच में हारने वाली टीम यानी कि ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम, और दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2024 में अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक मैच में पार्टिसिपेट किया और इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को पंजाब किंग्स की टीम ने हरा दिया। तो अभी दिल्ली कैपिटल्स की टीम टोटल एक में से एक मैच हारने के चलते 0 अंक के साथ पॉइंट टेबल में 4थे स्थान पे है और दिल्ली कैपिटल्स का नेट रन रेट -0.445 है और दिल्ली कैपिटल्स की टीम को आने वाले मैचों में सॉलिड कमबैक करना पड़ेगा और अपने गेंदबाजी डिपार्टमेंट को सुधारना पड़ेगा। इसके बाद पॉइंट टेबल में 3रे स्थान पे है आज के मैच की विनर और शिखर धवन की कप्तानी वाली यानी कि पंजाब किंग्स की टीम, और पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2024 में अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक मैच खेला और अपने पहले ही मैच में पंजाब किंग्स ने शानदार गेंदबाजी और बेहतरीन बल्लेबाजी के बदौलत दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया। तो अभी पंजाब किंग्स की टीम टोटल एक में से एक मैच जीतने के चलते 2 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में 3रे स्थान पे मौजूद है और पंजाब किंग्स की टीम का नेट रन रेट +0.455 है और आज खेले गए अपने पहले ही मैच में पंजाब किंग्स की टीम ने यहां पे लियाम लिविंगस्टन और सैम करन के शानदार बैटिंग के बदौलत दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया। तो पंजाब करेंटली
दो अंक के साथ पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पे मजबूती से है। इसके बाद पॉइंट टेबल में दूसरे पायदान पे है डिफेंडिंग चैंपियन और पांच बार की चैंपियन यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। और चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2024 में अभी तक सिर्फ एक मैच खेला और उन्होंने अपने पहले ही मैच में अपने होम ग्राउंड यानी कि एम एच चिदम्बरम स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हरा दिया। तो अभी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम टोटल एक में से एक मैच जीतने के चलते दो अंक के साथ पॉइंट टेबल में दूसरे पायदान पे मजबूती से मौजूद है और चेन्नई सुपर किंग्स का नेट रन रेट +0.779 है। और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम काफी बढ़िया शुरुआत कर चुकी है और चेन्नई के इस साल भी प्ले ऑफ में जाने के काफी ब्राइट चांस है। वहीं पॉइंट टेबल टॉपर के बारे में बात करें तो यहाँ पे है आज के मैच की विनर और श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने आईपीएल 2024 में अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक मैच खेला और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अपने पहले ही मैच में मजबूत सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दिया। तो अभी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम टोटल एक में से एक मैच जीतने के चलते दो अंकों के साथ पॉइंट टेबल में सबसे टॉप यानी कि शिखर पे है और कोलकाता नाइट राइडर्स का नेट रन रेट +0.800 है। और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पहले मैच में जीत दर्ज करके अपना मनोबल बढ़ा चुकी है और आने वाले मैचों में शानदार परफॉर्मेंस करके प्लेऑफ में अपना स्थान पक्का करना चाहेगी। तो ये था आईपीएल 2024 में आज का नया पॉइंट टेबल। तो आइए बात करते हैं पर्पल कैप और ऑरेंज कैप के बारे में। तो पर्पल कैप करेंटली चेन्नई सुपर किंग्स के मुस्ताफिजुर रहमान के पास है जिन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ 4 विकेट लिया था। तो फिलहाल मुस्ताफिजुर रहमान के पास आईपीएल का पर्पल कैप मौजूद है। वहीं ऑरेंज कैप के बारे में बात करें तो पंजाब दिल्ली के मैच के खत्म होने तक सैम करन के पास ऑरेंज कैप था जहां पे सैम करन 63 रनों के साथ आईपीएल का ऑरेंज कैप अपने नाम अभी कर चुके हैं। तो ये था आईपीएल 2024 में आज का नया पॉइंट टेबल और इसके साथ ही पर्पल कैप ऑरेंज कैप से जुड़ी सभी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आईपीएल प्रेडिक्शन के लिए टॉनी भाई के साथ कॉन्टैक्ट करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।